अब अखलाक देखिए, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कि उनके अखलाक का क्या कहना। अखलाक में एक सबसे अहम चीज है नरमी। एक बंदा अगर ये चाहता हो कि अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाए तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हवाले से फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमु मन फिस समा औ कमा काल, तुम जमीन वालों पर मेहरबानी करो, आसमान का मालिक तुम पर मेहरबानी करेगा, तो जमीन वालों पर मेहरबानी करो। गौसे पाक रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला की जात वो अजीम जात है कि उन्होंने जमीन वालों पर इतनी मेहरबानी की, इतनी मेहरबानी की कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तसव्वुर ही से आदमी की अक्ल दंग रह जाती है। इतनी मेहरबानी गौसे पाक फरमाते हैं। और हक तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन वालों पर, इंसानों की बात हुजूर ने नहीं फरमाई, जमीन वालों की बात फरमाई। तो अब जमीन में हर चीज आ गई, हर चीज पर जानवर हो तो जमीन पर जानवर चलते हो उन पर भी मेहरबानी। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर एक जमीन की मखलूक पर मेहरबानी फरमाते थे। हर